भैया अब आवाज नहीं, आवाज नहीं। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद धोतासा जी, डॉक्टर सी पी जोशी जी, डॉक्टर भंवर जितन सिंह जी, महामंत्री ऐशी जी, सचिन पायलट जी, रघु मीणा जी, आदरणीय गिरिदास जी, रामेश ढूडी जी, रघु शर्मा जी, निजामुद्दीन जी काजी, अमृता धवन, धीरज गुजर जी, महेंद्र जी मालविया, अर्जुन बामनिया जी, तारा चंद जी भगोरा, तमाम यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष समेत पंड्या जी और तमाम उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का बागड़ की धरती पर और मानगढ़ की पहाड़ियों पर, जहाँ गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने बलिदान दिया आजादी जंग के लिए, और सौभाग्य से आज का दिन है, करो या मरो 1942 के अंदर अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी ने, वो भी आज का दिन हमें याद है। आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस भी है। हमने आप सबकी भावना का आदर करते हुए आज के दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया है, आप सबको बधाई। आप सबको मानगढ़ का ये धाम आने वाले वक्तों में एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाएगा। भारत सरकार ने वादा किया था, वादा निभाया नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने किया वादा निभाएंगे, गवर्नमेंट आगे आएगी और इस मानगढ़ धाम आदिवासियों ने मुल्क की आजादी के लिए बलिदान दिए हो उसको डेवलप करने के लिए आगे आएगी। आज करता हूँ की लागत से हमने शुरुआत करेंगे और सही स्मारक को आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि राहुल जी, आप जब चिंतन शिविर होता था उदयपुर में, तब आप पधारे थे, वेणेश धाम पधारे थे। उस वक्त आपने 135 करोड़ रुपए का ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया था, उसका काम चल रहा है वेणेश धाम में। उसके बाद में हमने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए विकास के लिए। इस प्रकार से इस क्षेत्र का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। ये वागड़ का क्षेत्र है जहाँ पर भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण का मांग की गई है। अभी मुझे कहा मालविया जी ने करीब 37 करोड़ रुपये लागू होंगे भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण की। मैं घोषणा करता हूँ 37 करोड़ की लागत से पुल बनाया जाएगा। अभी मैं 2 महीने पहले आया था, 2500 करोड़ रुपये की लागत से अपर हाई लेवल कैनाल बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। हजारों खेतों को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। अपर कैनाल पीपल कोट का काम 1500 करोड़ रुपये की लागत से जल्दी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से जो मांगा मुझसे आप सबने, मैंने कभी मना नहीं किया और मैंने कहा था कि आप सब लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते थे नहीं थकूंगा, वो मैंने वादा निभाया आप लोगों से। आज एक और मांग बहुत पॉपुलर डिमांड थी यहाँ की, जो आदिवासी हमारे भाई बहन जो नौकरी करते हैं बाहर और जो TSP के बाहर के नौजवान यहाँ नौकरी कर रहे थे, अभी हमने फैसला किया है करीब 2000 शिक्षकों को ट्रांसफर करने का। उनकी जगह हमारे स्थानीय आदिवासी नौजवानों को, छात्रों को मौका मिलेगा नौकरी करने का।
महामारी केंद्र जिसके लिए हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब पैरवी करते रहते हैं, आप सब भी कहते रहते हैं, आपके भाई बंधु जो आदिवासी हैं वो टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ पे भी महामारी केंद्र खुलने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है जिस प्रकार महामारी केंद्र यहाँ चलते हैं उसी प्रकार से अन्य क्षेत्र में महामारी केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इस रूप में मैं समझता हूँ वागर के चौमुखी विकास हो, ये हमारा सपना है। मुझे खुशी है कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले आदिवासी क्षेत्र में गए थे, चाहे उड़ीसा के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, अब छत्तीसगढ़ अलग बन गया है, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो या राजस्थान के हो। मुझे सौभाग्य मिला था उस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब मैं राजीव जी के साथ में, सोनिया जी के साथ में डूंगरपुर जिले में हम लोग गांव गांव में गए थे, एक मैसेज दिया पूरे देश के तमाम ब्यूरोक्रेट को भी, नेताओं को भी, प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी जो है देश के अंदर वो है किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो, आदिवासी समस्या का हल हो। मुझे खुशी है उसी भावनाओं को सामने रखते हुए सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो वनों का अधिकार का कानून पास किया है, उसके बाद में यहाँ पर सामुदायिक पट्टे हों, व्यक्तिगत पट्टे हों, वो मिलने लगे हैं। अभी राउडी जब भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तब उन्होंने मुझसे भी कहा ये इश्यू बना हुआ अभी तक भी है, जो सामुदायिक पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए, वो अभियान भी हम अलग से चला रहे हैं, आगे भी और इसको मजबूत करेंगे। इस तरह से चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी है, राहुल गांधी है, इनका जो आदिवासियों के प्रति प्रेम है, जो रिश्ता है, उसका मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं किस प्रकार से 50 साल से मैं देख रहा हूँ हमेशा आदिवासी की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है। आदिवासियों का प्रेम किससे है? प्रकृति से है। प्रकृति के पुजारी आदिवासी होते हैं। और मुझे याद है इंदिरा गांधी जी ने पहली बार, हमें गर्व करना चाहिए देशवासियों को, इंदिरा गांधी जैसे महान नेता ने जब दुनिया उस बात को ध्यान नहीं दे रही थी, दुनिया के मुल्क ध्यान नहीं दे रहे थे, आज पर्यावरण की बात सब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उस जमाने में इंदिरा गांधी थी, सबसे पहले जो आदिवासी भावना है प्रकृति के प्रेम की, उसी रूप में इंदिरा जी ने पर्यावरण को लेकर के जो समस्या आने वाली है देश और दुनिया में उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। दुनिया के मुल्कों का इस बात का गर्व हमें इस मुल्क वालों को आज भी बना हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि वही भावना रख करके कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत, आज राहुल गांधी ने कहा था संसद के अंदर भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है, झंडा उठा लिया है, जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई बेरोजगारी तो है, पर देश को समझना पड़ेगा ने कहा था संसद के अंदर भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है, झंडा उठा लिया है, जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई बेरोजगारी तो है, पर देश को समझना पड़ेगा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, अहिंसा से ही देश आगे बढ़ता है, देश एक रहता, अखंड रहता है। उन्होंने कहा है गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़नी चाहिए, 4 मुद्दे हैं, उसी को लेके मैंने अपना बजट पेश किया है, मुझे इस बात का गर्व है। उसी के आधार पर आज पूरे राजस्थान के घर घर में एक संदेश गया है जो राहुल गांधी ने कहा था, उस भावना को रख करके जो बजट में घोषणा की है, खाली घोषणा नहीं की है, पहली बार सुनो कि आप प्रदेशवासियों से घोषणा लागू हो रही है,
और सगाई वापिस रिपीट हो रही है, पहली बार सुनने को रास्ता नहीं मिल रहा पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए आप सोच सकते हो जो फैसले हमने किए हैं वो आपके सामने हैं। दुर्भाग्य से एक तरफ तो का मावजी महाराज, संत गोविंद गुरु, भगवान बिरसा मुंडा, पूंजा राणा पूंजा, वीरबारा कालीबाई, नाना भाई खाट और भीगा भाई भी जैसे महापुरुष हुए यहाँ पर, उसी रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक क्षेत्र है मणिपुर, आग लगी हुई पूरे प्रदेश के अंदर और भारत सरकार मोदी जी अमित शाह जी सोए हुए हैं। पूरी दुनिया में क्या आलोचना हो रही हमारी, इनको आज इस बात की सोच ही नहीं है, एहसास ही नहीं है दुनिया क्या सोच रही है। एक देश एक प्रदेश जल रहा है परवाह नहीं है। हमें इस बात का अफसोस है, हमारे स्वाभिमान पे चोट की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ और मणिपुर के अंदर जो है क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को चाहिए ध्यान रखे। कहाँ मणिपुर, कहाँ राजस्थान, कहाँ छत्तीसगढ़, वहाँ भी राजनीति करने नहीं चुके प्रधानमंत्री मोदी जी। अब बताइए इस बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में देश जाएगा कोई नहीं जानता है। इन हालातों में चल रहे हैं, इसलिए मैं कहने को बहुत सारी बातें हैं पर राहुल जी को हम सुनना चाहेंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा जो कानून राहुल जी आपने हमेशा कहा है एससी एसटी का कानून बनाओ, जो बजट में घोषणा होती है पूरा बजट उसी में खर्च होना चाहिए। हमने कानून बना दिया उसको, हमने 200 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति रखी अलग से, हॉस्टल 219 बनाए हमारे यहाँ पर, 50,000 बच्चे उसमें आरक्षित वर्ग के पढ़ते हैं रहते हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ 50,000 की मेरा 1,00,000 बच्चे हॉस्टल में रहेंगे आदिवासियों के, एससी एसटी के, ओबीसी के, उनका एक्सपोजर होगा। इस प्रकार से हमने महंगाई राहत कैंप लगाए, घर घर के अंदर उसका लाभ मिल रहा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया देश में कहीं नहीं है। राहुल जी तो हमारी जब दवाई फ्री करी थी मैंने, टैक्स फ्री किए थे, तब राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर प्रचार किया था। आज तो हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया, 25,00,000 का बीमा हो गया, 6,00,000 का दुर्घटना बीमा हो गया। और अभी जो मैंने मोबाइल फ़ोन दिए हैं, पहले फेज में 40,00,000 महिलाओं को फ़ोन मिलने जा रहे हैं, कल से प्रारंभ होगा। राहुल गांधी जी ने शुरुआत कर दी है, 15 अगस्त से अन्नपूर्णा किट योजना शुरू हो रही है, खाने पीने की सामग्री को लेकर के घर घर पहुंचा जाएगा। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं, इंदिरा गांधी नाम से रसोई चल रही है शहरों में, गांव में शुरू हो रही है, 8 रुपये में भोजन दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के नाम से स्मार्टफोन बन रहे हैं, और मुझे खुशी राहुल जी आपको शायद मालूम होगा पूरे देश पूरे प्रदेश के अंदर पिछली बार 30,00,000 लोगों ने पंजीकरण कराया था। राजीव गांधी जिन्होंने एशिया गेम्स को संपन्न कराया था उनके नाम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, इस बार राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 58,500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो मैच शुरू हो गए हैं, 6 तरह के गेम्स हैं, बहुत शानदार तरीके से माहौल बन रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ के बच्चे भी ओलंपिक कॉमनवेल्थ और साथ में एशिया में कामयाब हो सके, इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कमी कोई रखी नहीं है, जो आपका आदेश था जो आपकी भावना थी उसके अनुरूप हम लोगों ने हमेशा काम को आगे बढ़ाया है। और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावना क्या है देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जाति की जनगणना होनी चाहिए, आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जाति की जनगणना शुरू होगी, जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में, जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में।
कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं है। और राहुल गांधी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार आपने झंडा गाड़ रखा देश के अंदर, एकमात्र आप ऐसे नेता हैं जो उन शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं जिनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आज पूरा देश चिंतित है, एजेंसी को दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशियल दावे है, सब कुछ मालूम है। राजस्थान प्रदेश आपको विश्वास दिलाता है, इस बार जो हमने गवर्नेंस की है, इस बार जो हमने फैसले किए हैं, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया है जो इसमें कहीं पे नहीं है, जनता तय कर लिया है। इस बार आपके आशीर्वाद से, आपकी जो भावना भारत जोड़ो यात्रा की है उसका आधार बने के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार वापस सरकार रिपीट होगी, ये मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो ए भाई, ओ दादा जब तो ताली बजनी चाहिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। और कोई उठे नहीं।